आज हम देखेंगे क्लास टेंथ का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 6A जो कि हमारा आर एस वाल का सोल्यूशन होगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बोला इफ द पॉइंट ए एक्स टू इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट बी 8-2 एंड सी 2-2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। यानी यहाँ पे जो ए दिया हुआ है ये इक्विडिस्टेंस है बी पॉइंट पे एंड सी पॉइंट पे, तो फाइंड करना हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू बताना है क्या होगा, और जब एक्स का वैल्यू मिल जाएगा उसके बाद हमें बताना है कि ए बी का लेंथ क्या होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको, ए बी सी, यानी ए का जो पॉइंट है वो है एक्स टू, बी का पॉइंट है 8-2 और सी का जो पॉइंट है वो है 2-2। और क्वेश्चन में हमें जो गिवन ये दिया हुआ कि ए इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी एंड सी पे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हम किसी का लिख सकते हैं, ए बी या ए सी। तो यहाँ पे हम दिखा लेते हैं, पहले ए बी इक्वल टू हमारा जो डिस्टेंस फार्मूला होगा वो होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, जब ये रूट है इस तरफ जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगेन ए सी यदि हमें फाइंड करना होगा तो ए सी इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। और जब ये रूट इधर जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ये दोनों पार्ट को हम लिख दिए। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, चूँकि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि ए जो है इक्वी डिस्टेंस है बी एंड सी का, तो ये लिख दिए। अब यहाँ पे AC का जो वैल्यू है AC स्क्वायर का वैल्यू हमें आप निकाल रखे हैं एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल होगा AB का होल स्क्वायर यहाँ पे निकाल रखे हैं एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें एक्स वन जो है ए बी डिस्टेंस पे, पहले एक्स वन जो है हमारा वो है एक्स, वाई वन जो है वो है टू, और एक्स टू जो है वो है एट, और वाई टू जो है वो है हमारा -2। ये ए बी के लिए हो गया, और ए सी के लिए हमारे पास हो जाएगा एक्स वन इक्वल टू एक्स, वाई वन इक्वल टू टू, एंड एक्स टू हो जाएगा टू, वाई टू हो जाएगा हमारा -2। तो पहले आप इतने पार्ट को एक बार नोट डाउन कर लें। अब यहाँ पे एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये हमारा जो था ये ए बी स्क्वायर था। यहाँ पे लिख देते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए बी वाला वैल्यू यहाँ पे है मेरे पास ए बी, और ये है हमारे पास ए सी का वैल्यू। तो इसको हम पुट करेंगे, लिख लेते हैं पहले यहाँ पे एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर y2 टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब हम सारे वैल्यू को पुट करते हैं ए बी, ए बी वाला हम पहले देखेंगे एक्स टू जो है मेरे पास वो है 8 माइनस एक्स वन एक्स प्लस वाई टू जो है मेरे पास वो है -2 माइनस वाई वन टू का होल स्क्वायर। अगेन फिर से एक्स टू ए सी में एक्स टू जो है मेरे पास वो है 2 माइनस एक्स वन जो है एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई टू जो है मेरे पास वो है -2 माइनस वाई वन टू का होल स्क्वायर। सारे इसे हमें सॉल्व करना होगा, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये हमारे पास हो जाएगा -2 और -2 -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको भी जब a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab प्लस
टू और टू दोनों माइनस में है, तो माइनस फोर, और इसको हटा देते हैं। अब इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हम एक्स टू एक्स वन वाई टू वाई वन को सारे वैल्यू को पुट कर लिया। अभी हम इसे सॉल्व करना होगा। यहाँ पे माइनस टू और माइनस टू, माइनस फोर का होल स्क्वायर हो जाएगा। एट का स्क्वायर करेंगे 64 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एट में टू से मल्टीप्लाई कराएंगे 16x प्लस माइनस फोर का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16। टू का स्क्वायर फोर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू में टू से मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस माइनस फोर का स्क्वायर 16। ये हो गया। अब यहाँ पे 64 और 16 दोनों प्लस में है, यानी ये हमारा हो जाएगा 80 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x इक्वल टू, यहाँ पे 4 और 16 दोनों प्लस में है, यानी ये हो जाएगा 20 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। सारे टर्म को हम इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 18 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 20 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0। ये हो गया। अब यहाँ पे 80 में से 20, चूंकि ये प्लस है ये माइनस है, इसको माइनस करें तो ये हमारा हो जाएगा 60। एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 16x में से 4x माइनस करेंगे, चूंकि ये बड़ा है इसलिए माइनस का पहले से तो सिंबल होगा, और 16 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये हमारा जाएगा 12x इक्वल टू 0। यानी यहाँ से हो जाएगा माइनस 12x इक्वल टू, ये प्लस में इस तरफ जाए तो माइनस में 60, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी 12x इक्वल टू हो जाएगा 60, x इक्वल टू हो जाएगा 60/12 यानी x इक्वल टू 5। तो इस तरीके से हमारे पास x का वैल्यू आ गया है 5, x का वैल्यू तो आ गया। अब उसके बाद बोला जा रहा है फाइंड द लेंथ AB। अब हमें AB का लेंथ फाइंड करना होगा, तो आप पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हमें AB का लेंथ फाइंड करना था, तो ये पॉइंट हम फिर से दिखा देते हैं। A का जो वैल्यू है वो है x 2, B जो है वो हमें गिवन था 8 माइनस 2, और C जो था वो गिवन था 2 माइनस 2। तो x1 y1 AB डिस्टेंस फाइंड करना था, तो AB पर हम x1 y1 फाइंड कर लेते हैं। x1 y1, x1 जो है x है, y1 जो है वो है हमारा 2, x2 जो होगा वो है 8, और y2 जो है वो हमारा हो जाएगा माइनस 2, और x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू वो हम फाइंड करके रखे हुए हैं 5। तो x के जगह यहाँ पे x1 की जगह 5 बोल सकते हैं। अब AB जो है, AB का डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब सारे वैल्यू को जब हम पुट करेंगे, x2, x2 जो है 8 माइनस x1 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 2 माइनस y1 2 का होल स्क्वायर, यानी 8 में से 5 माइनस करें तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 2, ये हमारा जाएगा माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे 4 का तो ये हमारा जाएगा माइनस 4 है, तो माइनस 4 इंटू माइनस 4, माइनस 4 इंटू माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, यानी ये हमारा जाएगा 16। यानी ए बी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा अंदर रूट 16 और 9 को जब हम ऐड करेंगे तो 25, और 25 जो होता है इसको हम लिख सकते हैं अंदर रूट 5 इंटू 5, यानी ए बी जो है ये हमारा हो गया 5 यूनिट। तो इस तरीके से हम ए बी का वैल्यू और एक्स का वैल्यू दोनों को फाइंड कर लिए। दोनों का वैल्यू जो है वो 5 और 5 हुई होगा, तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।